हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो ये है मेरे करवा चौथ का व्लॉग वीडियो, जो कि मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ। वो इस वजह से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से दिवाली आ रही है, तो उसकी साफ सफाइयाँ चल रही हैं। तो मैंने ना सुबह से कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, ये मैं मंदिर जाती हूँ पूजा करने, तो ये वहीं का वीडियो है। और सुबह से इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। चिल्ले के लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुधाम्यं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवृद्धिहारिगम्यं वंदेर्विष्णुर्भवभैरं सर्वलोकैकनाथं जगदीशरायणं नारायणायनं ध्यानं समर्पयामि ध्यानादिकं। थोड़ी जल छोड़ दे वस्तु प्रांतियम जलम समर्पयामि आवाहन यज्ञोपवीत तो फ्रेंड्स, मैं सुबह से वीडियो इसलिए नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में ना एक एक्सपायर हो गए थे। इस वजह से मैं सुबह से वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था मेरे को इस वजह से। तो फिर मैं जब मंदिर गई तभी मैंने वीडियो शूट कराया मिनी से। तो यहाँ पर हमारी नॉर्मल सी जो भी पूजा पंडित जी करा रहे थे हमने कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर हम कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। और आप यहाँ पर ना मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखना, वो इसलिए कि पंडित जी कोई दूसरी कहानी सुना रहे थे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर बुक नहीं थी, बुक से ही वो कहानी सुनाते हैं। तो वही हम आपस में मतलब इशारे से बता रहे थे दीदी लोगों से कि ये दूसरी कहानी सुना रहे पंडित जी। तो वही दीदी बोल रही थी सामने ही जो बैठी थी कि हाँ ये दूसरी है, क्योंकि हम हर साल कथा सुनते हैं ना, तो हमको कथा भी याद हो चुकी है कि कौन सी पंडित जी सुनाते हैं। फिर बाद में पंडित जी ने बोला कि हाँ हाँ ये शायद दूसरी कथा है जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। उसके बाद पंडित जी ने फिर दूसरी कथा सुनाई थी, क्योंकि उनके पास भी बुक नहीं थी, क्योंकि वो बुक से ही हम लोग को कथा सुनाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग का साइलेंट में डिस्कशन चल रहा था। और इस बार तो ऐसा हुआ कि बहुत कम महिलाएं थी, तो आराम से प्रॉपर बैठते बन गया, नहीं तो हमेशा बहुत ज़्यादा होती थी। इसी में खुल जाएगी। नन चतुरानन पंचानन राम स्वामी पंचानन साजे सानन गरुरासन सान गरुरासन हन साजे।
तो फ्रेंड्स, मंदिर की पूजा करने के बाद मैं घर आ गई थी, और हमेशा मैं अर्घ मंदिर में ही दे देती हूँ चंद्रमा को, पर इस बार चांद जो है ना वो बहुत लेट निकला था, समथिंग 10 बजने वाले थे तभी, और पूजा जल्दी हो गई थी हमारी, तो इसलिए हम घर आ गए थे। हस्बैंड गए थे मेरे को लेने और वो लेकर के आ गए थे। तो यहाँ पर मैं जो चांद की पूजा नहीं कर पाई थी मंदिर में, वो मैं यहाँ पर कर रही थी हमेशा। तो मैं बताया मैंने जैसे आपको कि मैं वहीं कर लेती हूँ, और रियल ऑडियो है ना जो वॉइस है वो मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि डुग्गू बहुत परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था इस वजह से। नहीं तो मैं चाह रही थी कि मैं प्रॉपर वॉइस रखूं जो रियल वॉइस है इस, लेकिन वो बहुत परेशान कर रहा था, इस वजह से मैंने हटा दिया है अपनी जो रियल वॉइस है। और उसके बाद यहाँ पर मैं चंद्रमा को अर्घ दूंगी, और ऐसा होता है कि 7 बार छलनी से देखना होता है और फिर 7 बार 7 राउंड लगाने होते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं पीछे वाले मतलब बाजू वाले छत में भी एक दीदी पूजा कर रही थी क्योंकि चांद ही लेट निकला था इस वजह से। और मैंने ना मतलब प्रॉपर मिनी ने वीडियो शूट नहीं किया था, बताया मैंने, क्योंकि डुग्गू परेशान कर रहा था, तो आधी क्लिप उसने ली है, आधी क्लिप ली ही नहीं है क्योंकि जो प्रॉपर पूजा होती है। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड को तिलक वगैरह सब लगा दिया था, उसके बाद मिनी ने ये वीडियो शूट किया था। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड को चांद मतलब छलनी से देख रही थी, उसका डुग्गू बोल रहा था मम्मी मुझे भी देखो मुझे भी देखो, और वो अपने पापा के पास ही खड़ा था। और देखिए मैंने उसको भी टीका किया था। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को देख रही थी और मिनी पीछे से बोल रही थी मम्मी पापा जी नहीं दिख रहे, क्योंकि स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी बाहर ना, उस वजह से मोबाइल में वो रिफ्लेक्शन होता है वो हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड की जो चांद से छलनी से चांद देखने वाला हस्बैंड का चेहरा देखने वाला सिस्टम होता है वो मैंने कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने हस्बैंड की थी आरती, और यहाँ पर मिनी बोल रही थी कि हाँ मम्मी एक ही दिन तो आरती करते हो फिर पापा से लड़ते रहते हो, तो मेरे को ना हंसी आ रही थी। फिर डुग्गू ने बोला मेरी भी आरती करो, तो मैंने उसकी भी आरती करी, और आप अभी देखना कि क्या होगा। और यहाँ पर ना हस्बैंड मुझे मिठाई खिला रहे थे, तो मैंने बोला पहले पानी पिलाना फिर मिठाई खिलाना, आप पहले आशीर्वाद दे दो फिर आप मुझे पानी पिलाना। तो यहाँ पर पहले मैंने हस्बैंड के पैर पड़े सिर रख करके, और अभी आप डुग्गू को देखना, मतलब मैं रियल वॉइस दिखा सकती मतलब वो आपको बता सकती थी, पर वही हल्ला हो रहा था बहुत ज़्यादा इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और पीछे से मिनी बोल रही थी पापा जी अच्छे से आशीर्वाद दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर डुग्गू बोल रहा है पापा मेरे भी पैर पड़ो, ए वो सॉरी मम्मी मेरे भी पैर पड़ो। तो मैं उसके पैर पड़ रही थी नॉर्मली, पर उसने मुझसे बोला सर रख के पैर पड़ो, तो मैंने फिर उसके प्रॉपर सर रख के पैर पड़ा। मैंने बोला चल बेटा आज पढ़वा ले तू, क्योंकि तुझे इतना अभी दिमाग नहीं है इस वजह से। और उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मेरा जो व्रत है वो हस्बैंड ने खुलवा दिया। तो मतलब जो दिन भर हम तपस्या करते हैं उसका परिणाम ये रहता है कि हम व्रत खोल के, हमको बहुत अच्छा, और हमको व्रत करना अच्छा लगता है भाई, कौन नहीं चाहता कि उसके हस्बैंड की लंबी उम्र हो। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।